जनपद के लोग उस सभा में उपस्थित होंगे। हम कुर्सी पर बैठ करके अरविंद सिंह को अपनी बहुत बड़ी जानकारी दे दी भैया कि देखो बगदा 21 तारीख को लोग आने वाले, अरे बिन बुलाएंगे सब परेशान गए होते हो, यहाँ होल्डिंग पोस्टर लगवाने कोई जरूरत नहीं थी भैया। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाता वो भी नेताजी को याद करेंगे, तो बताइए जनता तो दौड़ी दौड़ी आएगी और नेता मंत्री हर भैया वर्ग का नेता आएगा, चाहे बगदा पक्ष का हो विपक्ष का हो या किसी भी जाति धर्म का हो, सबके सब आएंगे और श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और देखो भैया संगम में बगदा अखिलेश यादव ने अस्थियों का विसर्जन भी कर दिया और ऐसे बगदा कई सारे लोग भी दिख रहे थे। और बाराबंकी जिले में भैया लकड़ी की कुर्सी पर बैठे हुए अरविंद सिंह तैयारियों में जुटे हुए होते, क्या बोले तनिक जानकारी दे, तनिक सुन लो भैया। 21 तारीख को बाराबंकी जनपद में नगर पालिका के मैदान में श्रद्धांजलि सभा है, पूरे जनपद के लोग उस सभा में उपस्थित होंगे। यही बैठक चल रही थी क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पे आ रहे हैं, उसकी व्यवस्था कैसे रहे, वहाँ कैसे लोग रहेंगे, कैसे बैठेंगे, सारा इंतजाम चल रहा है। और जितनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं अभी तक इतनी भीड़ कहीं नहीं हुई। नेताजी को हर वर्ग, हर समाज, हर पार्टी, हर क्षेत्र के लोग चाहते हैं, इसलिए सब हम बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। अब कल है तो भैया देख लो सब जन श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और नेताजी को याद करेंगे। और देखो जगह जगह होल्डिंग भी लगवा रखी है, सुरेश यादव भी बगदा चमचमाते हुए दिख रहे हैं, उनके साथ बगदा जिलाध्यक्ष हाफिज अयाज भी दिख रहे हैं और साथ ही बगदा ताज बाबा भी दिख रहे हैं। और फिलहाल बाराबंकी जनपद उत्तर प्रदेश के लिए AV4 की बैठक वीडियो से कटाव चांस रख लो शम्मा साजू को पैसे मिलेगी दबाद वाले अंकस के। और अरविंद सिंह गोपजी को तो पहचाने गए भैया, मुलायम सिंह के निधन पर बहुत ज्यादा फूट फूट के रोए थे, इनके आंसू रुके नहीं रहे थे भैया, रोए जा रहे थे।